अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की ओर। क्वेश्चन बैंक, जाहिर सी बात है मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चंस घर पे पहले सॉल्व करेंगे, तो आपने ये किया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं किया है तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ये वीडियो में प्रोसीड करना, ठीक है। तो ये जो ट्रू फॉल्स वाले, करेक्ट इनकरेक्ट वाले हैं, ये आप खुद कर लोगे, सेल्फ कर सकते हो आप। इनमें कोई दिक्कत है आप मेरे को बोल सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप मेरे को स्पेसिफिकली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं अब, या तो ये होगा कि मेरे को क्या है, सिर्फ दो तीन लोगों के ही मैसेजेस आ रहे हैं जो कुछ ना कुछ डाउट आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, बाकी लोगों के डाउट नहीं आ रहे। तो इसका ये मतलब हो सकता है, दो चीज हो सकती, या तो आपको सब समझ गया या तो आपको कुछ भी नहीं समझा, यानी आपने वीडियो ही नहीं देखा, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आपने वीडियोस देखना चाहिए रेगुलरली, जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, लॉ को भी आप रेगुलरली देखो, बाद में बड़ा दिक्कत देगा नहीं तो, ठीक है। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अलग से एमसीक्यूज वगैरह हैं, करेक्ट इनकरेक्ट है, ये देख लो। इसके बाद आप आओगे, ये क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नेचर के हैं, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स टाइप के वगैरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप एक बार देखोगे, एक बार ये रीड करोगे अच्छे से, और आपको ध्यान ये रखना है कि आखिरी टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए आपको आखिरी टाइम क्वेश्चन आंसर्स देख के जाना है। कुछ लोगों का ये भी पूछना रहता है कि सर क्या हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स से कर लें तो चल जाएगा क्या, तो आंसर है नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ शॉर्ट नोट से आपको नहीं करना है, आपको पहले तो पूरा ही पढ़ना है। हाँ, आखिरी टाइम एग्जाम टाइम पे आप शॉर्ट नोट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं शॉर्ट नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा वो वैसे कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, उसमें सब चीज कवर होगी, बट आपको क्या करना है, साथ में अगर कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कोई चीज और लिख लेना चाहिए तो आप वो लिख लिया करो। क्योंकि क्या होता है, ये जो है ये एक कस्टम मेड रहेगा, यानी सबके लिए, इट इज फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, लेकिन हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, और इसीलिए वो आप अपने हिसाब से उसमें पॉइंट्स लिख लिया करो। वैसे वो फुल प्रूफ होते हैं, बट फिर भी आप लिख लिया करो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट से आखिरी में आप पढ़ोगे तब चलेगा, लेकिन अभी आपको पूरा ही पढ़ना है। ये भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, ये भी आप देख लोगे। डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, पूरा डिटेल में उसमें आंसर्स दिए हैं। फिर आपको रहेगा जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस है, ये वाले हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तीनों चैप्टर में आज अपन ये जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन है इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, ध्यान से सुनो, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड दैट ऑल द डीड शुड बी साइन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, द सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल्स में लिखा था ये तीनों ने साइन करना चाहिए। द डीड ऑफ मॉर्गेज वॉज साइन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ जेड। क्या ये वैलिड डीड मानी जा सकती है? आंसर है नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइडर है उसको पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकल्स में क्या लिखा है और वो पालन हुआ या नहीं हुआ। क्या यहाँ पे मिस्टर जेड ये बोल सकता है कि ये तो इंटरनल इररेगुलरिटी है? तो नहीं, ये तो देख के ही पता लग रहा है। ये तो आप डीड देखोगे, डीड में देखेंगे अरे तीन जन के साइन होना चाहिए, दो ही जन के साइन है या एक के साइन है, तो ये तो आपको डीड देख के पता लग रहा है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते नहीं हमको लगा कर लिए होंगे साइन। तो यहाँ पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट अप्लाई। इंडोर मैनेजमेंट कब लगता है? इंडोर मैनेजमेंट तो तब लगता है जब कोई प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं पूरी हुई, जैसे कि रेजोल्यूशन पास करवाना, तो वो चीज अब आउटसाइडर को थोड़ी पता रहेगा, बट ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वही बताया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली डॉक्ट्रिन लगेगी, और इसीलिए जेड कैन नॉट क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ द डीड, ठीक है। तो ये सिंपल वाला है। सेकेंड है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोवाइड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द अथॉरिटी टू issue bonds provided such issue is authorized by shareholders by necessary resolution in general meeting of the company. तो यहाँ क्या बोल दिया, shareholder का resolution चाहिए। The company was in dire need of funds, बहुत ज्यादा जरूरत थी कंपनी को, dire need means बहुत ज्यादा जरूरत, and therefore it issued the bonds to Mr. X without passing any such resolution in general meeting. तो इन्होंने X को bond दे दिया, X से पैसा ले लिया और उसको security दे दिया bond, और रेजोल्यूशन पास ही नहीं कराया इन जनरल मीटिंग। क्या एक्स रिकवर कर सकता है फ्रॉम द कंपनी, पैसा वापस ले सकता है? आंसर है यस। यहाँ पे आपका लगता है टर्क्वेंस रूल,
तो यहाँ पे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट के केस में बताया गया था कि भाई इंटरनल इररेगुलरिटी अगर है, जैसे आपने रेजोल्यूशन पास नहीं करा है तो उसमें क्या मिस्टर एक्स जाके देखेगा रेजोल्यूशन पास कर रहे कि नहीं कर रहे, तो नहीं, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मीन्स इंटरनल इररेगुलरिटीज आर दी कंपनीज प्रॉब्लम्स। उसके लिए कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं अब हम मिस्टर एक्स को पैसा नहीं देंगे, इट इज अ वैलिड बॉन्ड और इसीलिए कंपनी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, ये सब आपके फाउंडेशन लेवल पे भी हो चुके वाले टाइप के क्वेश्चन है। फिर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड डेट एक्स शैल बी द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो देखो ये किस चीज के ऊपर दिया जा रहा है आपको, ये रहेगा सेक्शन नंबर 10 के ऊपर, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर, मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, मेंबर्स आर बाउंड इंटर से बट नॉट डायरेक्टली, वो लोग दे आर नॉट बाउंड टू ईच अदर डायरेक्टली, दे आर बाउंड टू ईच अदर बट थ्रू कंपनी। ठीक है, तो ये उसके ऊपर है। तो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड डेट एक्स शैल बी द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स में लिख दिया कि मिस्टर एक्स को आप लॉ ऑफिसर बनाएंगे, एंड ही शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसकंडक्ट। उसको नहीं हटाया जा सकता जब तक कुछ मिसकंडक्ट नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। द कंपनी रिमूव्ड हिम इवन दो ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, डिसाइड वेदर कंपनीज एक्शन इज वैलिड। आंसर इज येस, बिकॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स और द मेंबर एंड द आउटसाइडर्स, इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, मेंबर्स एंड इट्स कंपनी एंड मेंबर्स इंटर से, बट दैट टू नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो वही दिया है। तो आर्टिकल्स डज नॉट बाइंड द कंपनी विथ आउटसाइडर्स। ठीक है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है, तो देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड द कंपनी। फिर नो आउटसाइडर कैन इन्फोर्स आर्टिकल्स अगेंस्ट द कंपनी इवन इफ दे आर गिवन सम राइट्स। एक्स इज एन आउटसाइडर एंड नॉट अ मेंबर, ये 7 गलती से आया। एज सच द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स डू नॉट बाइंड हिम, इवन इफ ही इज अ मेंबर ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज अ मेंबर कैन ऑल्सो कैन नॉट एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स फॉर हिज बेनिफिट इन सम अनदर कैपेसिटी। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर वो मेंबर भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मेंबर भी होता तो भी वो ये नहीं बोल सकता था कि नहीं मेरे को लॉ ऑफिसर अपॉइंट करो। क्या लॉ ऑफिसर अपॉइंट करना ये अधिकार उसको एज अ मेंबर मिल रहा है? आंसर है नहीं, और इसीलिए ही कैन नॉट क्लेम कि उसको लॉ ऑफिसर अपॉइंट करो और उसको निकाला नहीं जा सकेगा। ठीक है, हिज अपॉइंटमेंट वॉज वॉइड। केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सेक्शन 10 याद रखते हैं तो इट इज सफिशियंट। ठीक है, सेक्शन 10 क्या है, बाइंडिंग इफेक्ट्स ऑफ एओए एंड एमओए, तो इनका बाइंडिंग पावर बताया है। ठीक है, फिर आगे का भी सिमिलर है, आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी क्लियरली स्टेटेड दैट मिस्टर एल विल बी द सॉलिसिटर, सॉलिसिटर यानी वही एडवोकेट ऑफ द कंपनी। द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स रिजॉल्व यूनैनिमसली, यूनैनिमसली यानी एकमत 100% कंसेंट से टू अपॉइंट मिस्टर एम इन प्लेस ऑफ एल। तो इन्होंने एम को अपॉइंट करने बोल दिया एल की जगह पे, यानी एल को हटाने बोल दिया एज द सॉलिसिटर, स्टेट विथ रीजंस क्या कंपनी ऐसा कर सकती है। अगर एल कल चल के केस फाइल करेगा तो क्या वो सक्सीड होगा? आंसर है नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट दिए, इसीलिए आपको ये भी वर्ड दिखेगा यहाँ, बट नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं है, नॉर्मली वर्ड है ना, डायरेक्टली दे आर नॉट लायबल टू ईच अदर बट दे कैन क्लेम थ्रू कंपनी। ठीक है, क्लेम कर सकते हैं या रिस्ट्रेन कर सकते हैं, ये आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 10। एक चीज और अच्छी हो रही है, अपन ये लेट रिवाइज कर रहे हैं तो लेट डिस्कस कर रहे हैं, तो जो आपने पढ़ा नहीं था या भूल गए होंगे वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में आपका ये फायदा हो रहा है। अब और दिया है, द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम्पावर्स इट टू कैरी ऑन रियल इस्टेट बिजनेस एंड एनी अदर बिजनेस दैट इज एलाइड टू इट। तो एलाइड यानी जुड़ा हुआ, तो रियल इस्टेट या उससे जुड़े हुए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ऐसे कोई काम उसने कंपनी बनाया इस काम के लिए। ड्यू टू द डाउनवर्ड ट्रेंड इन द रियल इस्टेट बिजनेस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी।
The company wants to alter the memorandum so as to include the food processing business in its objects. क्या वो कर सकते हैं? तो आपको ये बताना है. तो आपको alteration of memorandum का टॉपिक यहाँ लिखना है. बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. और यहाँ पे अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है कंपनी के पास तो ये नहीं बदल सकते जब तक के आप उसका पेपर पब्लिकेशन नहीं करते. पेपर में पब्लिश करना चाहिए. और एग्जिट ऑप्शन नहीं देते टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर. उसको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल सेबी के रूल्स के हिसाब से. फिर रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी ऑल्टरेशन. रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा और ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गया या मान लिया जाएगा. ठीक है, 30 डेज के अंदर फाइलिंग. तो ये प्रोसीजर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, फिर एक और है सिमिलर क्वेश्चन. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द नेम ऑफ मार्स टेक्सटाइल्स लिमिटेड डिजायर टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड नेशनल टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. एडवाइस एज टू व्हाट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड अंडर द कंपनीज एक्ट. तो मार्स के जगह वो नेशनल रखना चाह रहे हैं, नाम बदलना चाह रहे हैं. तो नाम बदलना अलाउड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नेशनल नाम ऐसा नहीं है कि भाई जो आपको अलाउड नहीं होगा. नेशनल वर्ड जो है वो नॉर्मल वर्ड है. ठीक है, तो ये ऐसा प्रिस्क्राइब्ड वर्ड नहीं है कि आप जो नहीं रख सकते. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है कैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है. नाम बदलना है तो सब देखो सब चीज सेम ही थी. बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन. लेकिन हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं. जैसे यहाँ पे क्या था, आपको परमिशन लेना पड़ता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डेलीगेट कर दिया टू द रजिस्ट्रार. ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस आपको बताई गई है. अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम, ये सब करना पड़ेगा. तो ये सब की प्रोसेस आपको फॉलो करना है. रन फॉर्म था जो. ठीक है, तो ये सब आगे बताया गया है. अब रन की जगह मैंने आपको बोला भी कि ये चेंजेस होते जा रहे हैं. स्पाइस प्लस वगैरह फॉर्म आ गया है अभी, तो यहाँ पे स्पाइस प्लस भी आ जाएगा. तो ये सब फॉर्म्स वगैरह बदलते रहते हैं. तो इसीलिए मैं आपको आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी फॉर्म्स नहीं दिखेंगे आपको मेरे बुक में. ज्यादातर जगह फॉर्म्स नहीं दिखेंगे जहां पे चेंज होते रहते हैं. ठीक है, फिर अगला पॉइंट सिंपल से क्वेश्चन है. ये आप एक बार पढ़ोगे विद डिटेल्ड आंसर्स दिए हुए हैं तो आपने वैसे पढ़े होंगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये पढ़ के आपको उसके बाद वीडियो देखना है. एक और है, एक्स वाई लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द कंपनी वॉन्ट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे. दोनों स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही है लेकिन मुंबई से पुणे जा रहा है. जैसे ही ये वर्ड दिखा आपको तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे आरओसी बदलने वाला है. वॉट फॉर्मेलिटीज द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. कौन से सेक्शन लगेगा यहाँ पे? सेक्शन नंबर 12 लगेगा, 13 नहीं. मेमोरेंडम चेंज करना है क्या? नहीं. ऊपर वाले क्लॉजेस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हुए थे. जब आपने नाम बदला तब हुआ था, जब आपने ऑब्जेक्ट बदला तब हुआ था. यहाँ मेमोरेंडम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ आप आरओसी बदल रहे हैं. तो मेमोरेंडम चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं है. यहाँ रीजनल डायरेक्टर से आपको कन्फर्मेशन लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि रीजनल डायरेक्टर से आपको कन्फर्मेशन लेना है. तो आपको ये देख के समझना चाहिए कि मुंबई से पुणे बोला है तो उसका मतलब क्या है कि आपका आरओसी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो मुंबई में अलग आरओसी है, पुणे में अलग आरओसी है. तो ये दो ही स्टेट में हो सकता है, ये भी बताया था मैंने आपको. एक अपने यहाँ, एक महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में. फिर अगला पॉइंट, एबीसी लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल डिजायर्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो बंगाल से अब महाराष्ट्र आ रहा है, यानी यहाँ पे पूरा स्टेट चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या लगेगा आपको? यहाँ पे लगेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन. ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव द पर्पस. क्या कोई डिफरेंस होगा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी से दूसरे आरओसी के पास जा रहे हैं लेकिन सेम स्टेट में? तो हाँ, वहां पे फर्क पड़ेगा. दोनों जगह अलग अलग सेक्शन है. पहले केस में जब आप वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र जाओगे तो लगेगा सेक्शन नंबर 13. यहाँ पे MOA भी चेंज होगा और यहाँ लगेगा सेक्शन नंबर 12. यहाँ पे आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन थी, यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी यहाँ पे चेंज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे फर्क क्या हुआ है? यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट कर दिया है टू द रीजनल डायरेक्टर. तो आपको लिखना पहले यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, फिर आप
आगे आखिरी में एक लाइन लिख दोगे कि दिस हैज बीन डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, तो ऐसा नोट वगैरह आप लिख दोगे, तो नोट चिपकाना चाहिए, नोट चिपकाने से मार्क्स मिलते हैं वो वाले नोट नहीं, पैसे वाले नहीं, ठीक है। तो देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आजकल इतने बड़े नहीं आते वैसे, तो फिर भी ये पुराने क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों चीज पूछ लिया है। तो सिमिलर क्वेश्चन 2015 वगैरह तक आए हैं, बट उसके बाद आपको न्यू कोर्स में ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े वाले नहीं दिखेंगे, ठीक है। और अब तो एमसीक्यू हो गया, तो दोनों में से एक आएगा, क्योंकि अब आपको सीधा बात है 30% मार्क्स आपके एमसीक्यू में चले गए, फिर बचा जो बचा हुआ जो है उसमें भी आपका कुछ कंपनीज एक्ट है तो कुछ अदर लॉज भी है, तो यहाँ पे आपका 60-40 रेशियो हो गया, तो आपका बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और इसीलिए इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, अब ये वाला एक ध्यान रखो, 9th वाला, ऋषि फार्मेसी लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड इन फार्मेसी बिजनेस। देर इज नो प्रोविजन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम टू एनेबल द कंपनी टू कैरी ऑन सच बिजनेस। क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज बदला जा सकता है? बताओ आंसर क्या है, क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल सकते हैं? देखो अब यहाँ पे अगर आपने हाँ बोल दिया तो आंसर गलत है, आपने नहीं बोल दिया तो भी आंसर गलत है तो क्या बोलोगे आप? तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये तभी बदला जा सकता है, वैसे तो नहीं बदला जा सकता, बट ये तब बदला जा सकता है जब आप साथ में नाम भी बदलोगे, क्योंकि ये नाम कैसा है, ये नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम है तो ऐसे केसेस में आप ये बदलोगे तभी जब नाम भी साथ में बदलेगा तभी आप ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में दिया है, तो देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज, लेकिन आपको खुद को यहाँ क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक और चीज, आपको साथ में यहाँ पे नाम भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम बदलना है तो इसके लिए आपको परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगी, और ऑब्जेक्ट बदलने के लिए परमिशन नहीं लगती, बट फिर भी यहाँ दोनों चीज लिखना है, तो आपको दो प्रोसीजर हो जाएगी, एक चेंज ऑफ नेम की, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड, दूसरी चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट की, जिसमें न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आपको करना पड़ेगा इफ द कंपनी हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, और आपको ये लिखना ही है, वहां लिखा नहीं रहेगा अगर कि भाई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है नहीं है, तो भी आप ये लिखोगे कि इफ द कंपनी हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, तो पेपर पब्लिकेशन दो पेपर में होना चाहिए, वन इन इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज, और अगली प्रोसेस थी जहां पे एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा टू द डिस्टिंक्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल में आंसर दिया है, ये मैंने खुद फ्रेम किया हुआ आंसर्स, ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इतना पूरा पढ़ो, क्योंकि मेरे को पता है आप ये इतना पूरा पढ़ोगे तो आप एग्जाम में उसको अपने आप शॉर्ट करके लिख के आओगे, तो इतना डिटेल में लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोनों जगह सेक्शन 13 ही लग रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ नेम के लिए भी सेक्शन 13 लगेगा, सेक्शन 16 वाला चेंज ऑफ नेम नहीं लगेगा यहाँ, क्यों? क्योंकि वो तो कंपलसरी था जब आइडेंटिकल वगैरह है, तो यहाँ लग रहा है सेक्शन नंबर 13 वाला चेंज ऑफ नेम एंड सेक्शन नंबर 13 वाला चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर एक और दिया है, विंटेज सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीसीटीवी कैमरास, इट हैज रेज्ड 100 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू। देखो यहाँ पे बताया है कि पब्लिक इशू से उसने 100 करोड़ यूज कर चुका है, इशू कर चुका है, और इन्होंने स्टेटिंग वन मोर यूनिट फॉर सीसीटीवी कैमरा, किस चीज के लिए लिया था? सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इट हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ 10 करोड़ रुपीज, कितना भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई थोड़ा भी होगा, 1 करोड़ भी होगा तो आपको करना है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है ना, तो बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही है, ठीक है। तो 10 करोड़ का अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, और एंड देन इट रियलाइज कि एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज नो पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन। अब कोई एक्सपेंशन की जगह नहीं दिख रही सीसीटीवी कैमरा में, क्योंकि चाइना से आजकल कुछ भी चलता है, वैसे चाइना के सीसीटीवी कैमरे बहुत चलते थे, जो भी आप देखोगे ये जो सीसीटीवी वगैरह लगे रहते हैं ज्यादातर चाइना के रहते हैं, तो ये भले इनकी लाइफ चीजों की कम होती है, चाइना क्या है अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, ज्यादातर चीज जो रहती है ऐसी खराब हो जाती है, चाइना का कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओ तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना साल भर चलता है और खत्म हो जाता है, तो इसीलिए चाइना के प्रोडक्ट्स ज्यादातर अच्छे नहीं होते। एक सिर्फ उन्होंने कोरोना वायरस बनाया जो पूरा जिंदगी भर सब जगह जाके दुनिया भर में वो कहीं ना कहीं तबाही मचा रहा है, तो ये चले जा रहा है, तो पता नहीं कैसे क्या बनाया, अभी वो तो चांद तारे भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो खैर अपन अपने टॉपिक पे सीमित होते हैं, तो चाइना से सस्ते में कैमरे आ जाते हैं सीसीटीवी कैमरे, और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे पता है आपको कि जो अपने निगरानी रखने के लिए रखे रहते, तो सीसीटीवी कैमरे, तो
अब ये जो कैमरा है इसका उसको बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, कोई स्कोप नहीं दिख रहा, कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा, और इसीलिए वो जो 10 करोड़ बचे हैं उसको वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बिजनेस में लगाना चाहते हैं। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं, क्या उनको ऑब्जेक्ट बदलना पड़ेगा? आंसर है यस, और उसके स्टेप्स भी बताओ, तो उसके क्या कदम उनको उठाना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है वही है सेम, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन देना है बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, और सेबी के रेगुलेशंस, ठीक है, पब्लिक से लिया है यहाँ पैसा, दिए ही है पब्लिक इशू। ठीक है, तो ये तभी लगता है जब प्रॉस्पेक्टस से आपने पैसा लेके रखा हुआ है। अगला, पराग कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मिस्टर पराग हैज बीन साइनिंग ऑल द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फॉर मेनी इयर्स। तो कई साल से पराग साइन करता है। ऑल द पार्टीज हु एवर डील विद द कंपनी नो पराग वेरी वेल, कंपनी हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ रिनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनी, पराग कंस्ट्रक्शंस विल डू कंस्ट्रक्शन फॉर दिस साइट इन पार्टनरशिप विद लोकल कॉन्ट्रैक्टर फिरोज भाई। तो ये फिरोज भाई के साथ मिलके ये जो कंपनी है पराग कंस्ट्रक्शंस ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। तो अब ये दोनों जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले हैं। मिस्टर पराग साइन पार्टनरशिप डीड विद फिरोज भाई ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिकॉज ही हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो अथॉरिटी है ये, मान लिया। लेटर इन डिस्प्यूट कंपनी डिनाइड टू एक्सेप्ट लाइबिलिटी एज अ पार्टनर, कैन द कंपनी डिनाई इट्स लाइबिलिटी। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है, तो बताओ क्या कंपनी डिनाई कर सकती है लाइबिलिटी ये बोल के कि भाई पराग को तो अथॉरिटी नहीं थी? आंसर है यस, कंपनी कर सकती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कंपनी का जो भी पावर है, पावर किसको रहना चाहिए? तो पावर रहता है या तो आप सील लगाओ कॉमन सील, या फिर दो डायरेक्टर्स होना चाहिए, तो दो डायरेक्टर साइन करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ एग्री नहीं किया है, यहां कुछ दिया नहीं है कि ऐसा कुछ एग्री किया है कुछ है, तो ये कुछ एग्री नहीं किया है, तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है, आर्टिकल्स के हिसाब से साइन होना चाहिए। आर्टिकल्स में क्या लिखा होगा, आर्टिकल्स में जो फॉर्मेट है वो टेबल एफ उठाया जाता है, और टेबल एफ में लिखा है कि दो डायरेक्टर्स के साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये जो डीड है ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, कंपनी डिनाई कर सकती है। इसका आंसर है यस। तो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत, सेक्शन 22 पे क्वेश्चन है। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि कंपनी मे ऑथोराइज, अगर चाहे तो ऑथोराइज कर सकते हैं कोई पर्सन को टू एग्जीक्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, भले भारत में हो या बाहर हो, बट कॉमन सील भी लगाई होना चाहिए, शुड बी अफिक्स्ड ऑन हिज ऑथोरिटी लेटर, और या फिर अथॉरिटी लेटर शुड बी साइन बाय टू डायरेक्टर्स। अब ये दोनों में से एक भी चीज नहीं बताया, और इट शुड बी साइन बाय वन डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी है तो। अब यहां ये नहीं बताया, यहाँ कॉमन सील के बारे में भी नहीं बताया है, यहाँ पे आइदर कॉमन सील होना चाहिए और जो दो डायरेक्टर है उन्होंने ऑथोराइज करना चाहिए, दो डायरेक्टर या वन डायरेक्टर एंड वन सीएस, अगर सीएस है तो। ठीक है, तो ये टेबल एफ बोलता है, दिस ऑथोरिटी में भी आइदर जनरल फॉर एनी डीड और इट मे बी फॉर एनी स्पेसिफिक डीड, द डीड साइन बाय सच एन अटर्नी, अटर्नी यानी एजेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड अंडर हिज सील शैल बी बाइंडिंग, शैल बाइंड द कंपनी एज इफ इट वर मेड अंडर इट्स कॉमन सील। लेकिन इन द प्रेजेंट केस द कंपनी हैज नॉट नाइदर गिवन एनी रिटन ऑथोरिटी नॉर अफिक्स्ड कॉमन सील। तो यहां पर In the present case, the company has neither given any written authority nor, तो nor यानी उसका एक सूप आता है, नहीं nor वो सूप की बात नहीं हो रही, nor a fixed common seal, ना उन्होंने authority दिया है ना common seal लगाई है on any authority letter, तो it means that Parag is not legally entitled to execute deeds। तो ध्यान रखो ऐसे questions भी आ सकते हैं, और इसीलिए This will not be binding, therefore company can deny its liability as a partner। ऐसा है। फिर अगला है, यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल्स अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, नाउ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ द व्यू दैट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट बाय रेजोल्यूशन ऑफ 90% मेजोरिटी। तो कंपनी चाहती है कि उनका एओए का एक क्लॉज है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट दिया है जिसमें फॉरफीचर की बात की गई है,
तो फॉरफीचर की जो बात है, कंपनी चाहती है कि अगर ये फॉरफीचर का क्लॉज चेंज करना है, इसमें कोई भी ऑल्टरेशन करना है, तो 90% लोगों की सहमति चाहिए। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, स्पेशल रेजोल्यूशन से आप एओए चेंज कर सकते हैं, यानी 75% या उससे ज्यादा। अब डायरेक्टर्स लिखना चाहते हैं 90%, तो क्या ये कर सकते हैं? तो देखो आगे क्या दिया है, वाइल एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स मे बी चेंज्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड दैट दे कैन नॉट मेक द प्रोविजंस अगेंस्ट कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के विपरीत आप नहीं जा सकते, तो क्या वो सही बोल रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि सेक्शन 5 स्पेसिफिकली आर्टिकल्स के बारे में बोलता है देयर कैन बी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगाए जा सकते हैं। और ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ एंट्रेंचमेंट के ऊपर दिया है। वन ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट दे कैनॉट मेक द प्रोविजन अगेंस्ट कंपनीज एक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन दिस मैटर। तो आप बोलोगे ये किया जा सकता है, ऐसा क्लॉज वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ लो एक बार, और इसमें वही दिया है, अगर कंपनी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो ऐसे केसेस में वो कर सकते हैं। इट मीन्स इट वॉन्ट्स टू मेक एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स विच इज अलाउड, बट द कंपनी विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन टेकिंग परमिशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। ऑल क्यों? तो प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड। अगर यही पब्लिक कंपनी होती तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद इट शुड गिव नोटिस टू आरओसी रिगार्डिंग द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो इसके भी पूरे पॉइंट वाइज मैंने आपको डायग्राम बना के दिया हूं, तो आपको ये पढ़ना है साथ साथ में। फिर एक और दिया है, डायरेक्टर्स ऑफ मार्स इंडिया लिमिटेड डिजायर टू ऑल्टर कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, क्या ये किया जा सकता है? तो बताओ क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, नहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेक्शन 61 में आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ये किया जा सकता है। एक बार ये भी आप पढ़ लोगे, अब आपको ये भी समझ जाएगा इसमें ये जो कैंसलेशन था, इट इज नॉट द सेम एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। डिमिनेशन और रिडक्शन में फर्क है। तो यहां पे क्या कैंसिल किया था, कंपनी ने समझो 10 लाख के शेयर्स इशू किए थे, 10 लाख शेयर्स इशू किए थे, 10 लाख में से लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किए, लोगों ने सब्सक्राइब किए थे सिर्फ 9,90,000। तो बचे हुए जो 10,000 शेयर्स हैं, इनको जब आप कैंसिल करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कैंसलेशन या डिमिनिशन। तो डिमिनिश कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन हो गया ये, अनसब्सक्राइब्ड। ये कौन सा था, ये सब्सक्राइब्ड। तो अगर ये 10,000 को कैंसिल कर रहे हैं तो इसको हम कैंसलेशन बोलते हैं, इट इज नॉट रिडक्शन। बट इसको कम कर रहे हैं अगर आप सब्सक्राइब्ड पोर्शन को, इसको अगर आपने कम कर दिया, इसको आपने 9,50,000 कर दिया, तो ऐसे केसेस में इट वुड अमाउंट टू रिडक्शन। तो इट वुड बी कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक के ट्रिब्यूनल परमिशन ना दे। ठीक है, ऐसा है। तो देखो कितने अच्छे से रिविजन भी हो गया आपका साथ साथ में। अगले चैप्टर पे आते हैं, अगला चैप्टर है प्रॉस्पेक्टस वाला। इसमें भी करेक्ट इनकरेक्ट आप देख लोगे, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस है आपको विद आंसर है, और जहां पे आंसर्स में कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई दिक्कत आ सकती है, वहां पे आपको रीजन भी दे दिया गया है। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न भी आप देख लोगे, एमसीक्यूज हैं, और भी एमसीक्यू मैं आपको दूंगा आगे, इस चैप्टर में तो है ही, लेकिन कुछ एमसीक्यू जो आगे के आपके बुक रुकी हुई है, जो आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा, उसका रीजन वही है कि एमसीक्यू जो है वो अभी मेरे होने के हैं, क्योंकि जो हमारा काम करते हैं कैप्स में, जो एमसीक्यू वगैरह का ये सब काम कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने नहीं कर पाए वो, तो इसीलिए मेरे तरफ से वो थोड़ा लेट हो रहा है बाकी, लेकिन आपको बराबर टाइम पे चीजें मिल जाएगी। और कोई भी डाउट आता है तो मैं हमेशा हूँ, आप कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं बराबर आपको बता भी दूंगा डाउट्स वगैरह जो भी होंगे। और कोई भी और भी हेल्प लगती है, जैसे टाइम टेबल से रिलेटेड, पढ़ाई नहीं हो रही, ये कैसे मैनेज करना, वीडियो क्लासेस, तो आप मेरे से इस सब के बारे में भी पूछ सकते हैं। वैसे काफ़ी लोगों ने पूछा था और बहुत अच्छे से अभी कर भी रहे हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं लोग, बट जिनको अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, जो थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते, वैसे तो मेरे से जितने लोग पूछे तो सब लोग जम रहा है अभी लगभग सबको, लेकिन जिन लोग को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को नहीं जम रहा लेकिन पूछ भी नहीं रहे, तो उन लोग गलती कर रहे हैं। तो आपका काम क्या है, अगर नहीं जम रहा है तो आपको पूछना चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है
सुबह 7 बजे से लेके जैसे आप 4 बजे तक क्लास में बैठे रहते हैं, वैसा वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसीलिए आपको इसको ऐसा शेड्यूल करना चाहिए कि भाई बीच बीच में आपका थोड़ा गैप रहे। अब आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं, बट ये नहीं करना कि भाई आप अब घर पे हैं तो आप 7 बजे के बदले उठ रहे एकदम 9:30-10 बजे उठ रहे, तो ये नहीं करना है। तो ये सब चीजें, अगर ऐसे कोई डाउट्स है जो आपको नहीं जम रहा है या आपको मैनेज नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको खुद को मैनेज करना है। देखो टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम तो चल ही रहा है अपने हिसाब से, वो चलते जा रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके घर में अब तो लोग आने का भी टेंशन नहीं कि भाई लोग आके बैठ रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो और पढ़ाई करते रहो। सबसे अच्छा पीरियड है आपके लिए पढ़ाई करने का, बट वही है कि कंटिन्यूस बैठना एक प्रॉब्लम हो सकता है, और इसीलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक में पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने बताया बीच में आप लॉक उठा लें, ये भी कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद है, जैसे आप अगर क्लास में बैठते हैं तो कंटिन्यूअसली आपको पहले कॉस्टिंग हो गया, फिर अकाउंट्स हो गया, ये उस सीक्वेंस में ही चलना है। बट यहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं यार कॉस्टिंग अकाउंट्स दोनों एक ही सर पढ़ा रहे हैं तो बीच में दूसरे सर को देखना चाहिए, तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को बीच में देख सकते हैं। मैं आपके एकदम उंगलियों के इशारे पे रहूंगा, आपने एक क्लिक किया कि मैं चालू हो गया। आपको लग रहा है यार सर बहुत बोल रहे हैं, आपने पट से क्लिक किए मैं बंद हो गया, कितना सही। आपको लगता है यार फास्ट फॉरवर्ड कर दो, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी होता है, ये भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का बोलना है सर थोड़ा स्लो हो रहा स्लो हो रहा, तो मैंने उनको बोल दिया आपको अब यूट्यूब लिंक मिली है, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का वही बोलना है स्लो कर रहे अपन, कुछ लोगों का बोलना है फास्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रहते हैं 2-4 लोग ऐसे हैं कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं स्लो हो रहा। तो इसमें ऐसा है कि 70-30 का रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सबके हिसाब से चलना पड़ेगा कि जैसा वीडियो है अब आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम करना है कम करो, ज्यादा करना है ज्यादा करो, ठीक है। फिर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये एक आया था व्हाट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पे सेल्फ वर्ड यूज किया था एग्जाम में। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, बट यहाँ सेल्फ प्रोस्पेक्टस था एग्जाम में और बच्चों ने लिख के नहीं आए। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस की प्रोसेस बताना था आपको। सेल्फ प्रोस्पेक्टस याद होगा आपको कि जब कंपनी एक पीरियड में एक से ज्यादा बार इशू करना चाहती है तो वो फर्स्ट टाइम पे सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी, और उसके बाद जब सबसिक्वेंट इशू होगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है जिसमें चेंजेस बताए जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था इसकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ रहेगी 1 ईयर, इससे कम भी हो सकती है। एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम अलॉन्ग विथ सेल्फ प्रोस्पेक्टस विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस, ऐसा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लोगे, फिर कब कब प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है ये भी आप पढ़ लोगे, ये आजकल आता नहीं बट पढ़ लेना एक बार। रेमिडीज ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आप देख लेना, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अपने पास थोड़े समय की भी सीमा है, उसको बनाए रखना चाहिए हमने। तो आपको घर पे बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। केस स्टडीज पे आते हैं, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर की केस स्टडीज। तो देखो एक डॉक्यूमेंट था जो इशू किया गया बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर्स मेकिंग इट कॉन्फिडेंशियल, इन्होंने लिख दिया कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी हर किसी के लिए नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। इट डिड नॉट कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, इसमें सब चीजें नहीं थी। अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट वॉज सेंट टू द सॉलिसिटर्स ऑफ मिस्टर पी, सॉलिसिटर्स इन एडवोकेट्स हु इज लाइकली टू ज्वाइन द कंपनी एज अ डायरेक्टर। Is the document a prospectus? क्या ये prospectus है? Answer है नहीं, ये prospectus नहीं है, it is confidential. तो ये word लिखा जाता है, ये case हुआ था Nash versus Lean. ये जो है ये जो case में बताया गया था, ये case वैसे आपके लिए important नहीं है, आपको ये जो case में ये बताया गया अगर आप confidential word use कर लेते हैं तो फिर इट विल बी डीम्ड कि ये पब्लिक के लिए नहीं था, इट वॉज नॉट ओपन टू पब्लिक, इट वॉज ओनली टू दैट पर्सन टू हुम इट इज गिवन। तो नो द डॉक्यूमेंट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस, और आगे डेफिनेशन दे दी गई है, इट इज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन विच इज नॉट ओपन टू ऑल, केस याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एंड अलॉटी, ध्यान रखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अलॉटी कंपनी ने जब इशू किया और इस व्यक्ति को शेयर्स दिए गए, ये अलॉटी है। अगर इसने बाहर किसी और को बेच दिया, ये अलॉटी नहीं है,
ठीक है, अलॉटी यानी क्या, जिसको कंपनी ने अलॉट किया है, तो कंपनी इज द अलॉटर, ये अलॉटी, तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अलॉटर अलॉट करने वाला, अलॉटी जिसको अलॉट किया गया, ठीक है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, डेटर डेटरी, टीचर टीची, नहीं ऐसे वर्ड्स नहीं होते, हर जगह रूल नहीं लगाना, ठीक है। तो एन अलॉटी ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी बॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। डायरेक्टर कंटेंडेड दैट द स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स, वो बोलता है प्रमोटर ने बनाया जी, हमने क्या किया, एंड ही हैज रिलाइड ऑन देम, इज द डायरेक्टर लायबल? आंसर है यस, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। वैलिड ग्राउंड क्या है, तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, तीन वैलिड ग्राउंड है। पहला, उसने कंसेंट दिया था और विड्रॉ कर लिया, बाद में जब इश्यू हुआ तो इट वॉज विदाउट हिज कंसेंट, ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट जब वो बच सकता है। दूसरा, उसने कंसेंट दिया ही नहीं और जब उसको पता लगा तो उसने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया, यहां बच सकता है। तीसरा, जब एक्सपर्ट ने कुछ गड़बड़ किया था, एक्सपर्ट ने कुछ पॉइंट लिखा था और इन लोगों ने वो एक्सपर्ट के पॉइंट को वैसा का वैसा छाप दिया, एक्सपर्ट ने आपको बराबर पूरा लिख के दिया था कि ये रिपोर्ट है इसके हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए और वो रिपोर्ट में गड़बड़ निकली, बट यहाँ कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि एक्सपर्ट शुड बी कॉम्पिटेंट, ही शुड हैव गिवन द कंसेंट, ही शुड नॉट हैव विड्रॉन द कंसेंट, ठीक है, तो ये हमने देखा था, और ही शुड बी एन एक्सपर्ट, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे उसका अगर आपने एक्सपर्ट का पॉइंट उसमें इंक्लूड किया है तो ऐसे केसेस में उसमें अगर गड़बड़ होती है तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये तो एक्सपर्ट का पॉइंट था, एक्सपर्ट ने बना के दिया, हमने इसको यहाँ छाप दिया, अब हमको क्या पता भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट जो है हो सकता है इंजीनियर है, उसने बताया ये प्रोजेक्ट का ऐसा ऐसा इतने टाइम में प्रॉफिट आएगा, ये जेस्टेशन पीरियड है, अब बाद में वो गलत निकला, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टर्स को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो वही है तीसरा केस जब वो बच सकता है कि एक्सपर्ट से हमने स्टेटमेंट लिया था, उसको हमने वहां छापा और एक्सपर्ट ने गड़बड़ किया और एक्सपर्ट की पूरी कंडीशंस पूरी वैलिड थी, जो सेक्शन 26 बोलता है कि उसका स्टेटमेंट आप कब इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब कंडीशंस वैलिड थी, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर तीन ग्राउंड्स दिए हैं, इसके अलावा और कोई ग्राउंड में अगर गड़बड़ होगी तो फिर उसमें इम्यूनिटी नहीं मिलती, उसमें बचाया नहीं जाएगा, तो ऊपर जो दिया है ये अलग चीजें हैं और जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज डिफरेंट, तो क्वेश्चन में जो दिया है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्ट and therefore director will be held liable, so will be held liable for both civil as well as criminal liability, ठीक है, तो 34 35 दोनों लगेगा, तो 35 is the civil liability, 34 is the criminal liability। फिर थर्ड पॉइंट, with a view to issue shares to general public a prospectus containing some false information was issued by the company, तो कंपनी ने झूठा prospectus issue किया, झूठ लिखा था उसमें, मिस्टर दामू, दामू था कोई, रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, उसके पास प्रॉस्पेक्टस आया बट ही डिड नॉट अप्लाई टू द अलॉटमेंट, तो उसने अलॉटमेंट में अप्लाई नहीं किया, अलॉटमेंट जनरल पब्लिक को कंप्लीट हो गया विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। कुछ टाइम बाद दामू ने 4000 शेयर्स खरीद लिया स्टॉक एक्सचेंज से एट हायर प्राइस, तो देखो तो यहाँ कंपनी ने किसी को शेयर्स दिए थे, इससे फिर दामू ने खरीद लिया, ये है हमारा दामू तो दामू, इसने 4000 शेयर्स खरीदा, बताओ क्या ये क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी कंपेंसेशन? नहीं, क्यों? ही इज नॉट द ओरिजिनल अलॉटी, अलॉटी होना चाहिए, तो अलॉटी कौन है, ये, क्या ये क्लेम कर सकता है? नहीं, ये क्यों नहीं क्लेम कर सकता, इसका पूछा नहीं है बट मैं ये एडिशनल बता दे रहा हूं आपको, ये इसीलिए क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इसको कोई लॉस थोड़ी हुआ, इसने तो महंगे में बेचा, देखो लिखा है दामू ने 4000 शेयर्स खरीदा एट हायर प्राइस, तो इसने ज्यादा प्राइस में खरीदा यानी इसको तो प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी इसको भी पे नहीं करेगी, इसको भी कॉम्पेंसेट नहीं करना है क्योंकि ही हैज नॉट सफर्ड एनी लॉस, और इसको भी कॉम्पेंसेट नहीं करना है बिकॉज ही इज नॉट द ओरिजिनल अलॉटी, ही इज नॉट द पर्सन हु हैज टेकन हिज डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मिसस्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, उसने तो मार्केट से खरीदा था, प्रॉस्पेक्टस के जरिए उसने नहीं खरीदा है, अलॉटमेंट में उसने नहीं खरीदा है, ही इज नॉट द ओरिजिनल अलॉटी, इसीलिए वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो दामू बना मामू तो ये जो दामू है ये दामू से, दामू को अब कोई पैसा क्लेम करने का अधिकार नहीं है। समझो ये पार्टली पेड शेयर्स होते हैं, समझो एग्जांपल दे रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, समझो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं और बाद में कंपनी कॉल करती, समझो 10 रुपए के शेयर्स थे, 4 रुपए पेड थे, 6 रुपए बाद में कॉल किया,
क्या वो ये दामू पे करने को जिम्मेदार है? तो हाँ, वो 6 रुपए का कॉल पे करने को भी जिम्मेदार है और उसको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। ठीक है, तो दामू बना मामू। तो ऐसा है, तो दामू सोल्ड दिस शेयर्स एट अ हेवी लॉस। मिस्टर दामू क्लेम्स डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी फॉर द लॉस सफर्ड ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉस्पेक्टस इश्यूड बाय द कंपनी कंटेन्ड अ फॉल्स स्टेटमेंट रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। एग्जामिन वेदर दामूज क्लेम फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस इज जस्टिफाइड। आंसर है नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, तो केस दिया है, केस लिखने की जरूरत नहीं है। दामू विल नॉट सक्सीड, तो दामू बनेगा मामू। तो ऐसा है, अगला पॉइंट, एक्सवाइजेड लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स इक्विटी शेयर्स स्टेटिंग इन इट दैट कंपनी पजेसेस गुड फाइनेंशियल हेल्थ एंड पेइंग डिविडेंड्स टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली एट 20% ओवर लास्ट 5 years। तो क्या बोल दिया कंपनी ने, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, उसमें लिखा हम पिछले 5 साल से 20% का डिविडेंड बांट रहे हैं। द फैक्ट वॉज, सच्चाई ये थी दैट कंपनी वॉज रनिंग इन लॉसेस, कंपनी नुकसान में दौड़ रही थी। तो कंपनी वॉज रनिंग इन लॉसेस सिंस लास्ट 3 years एंड इट वॉज पेइंग डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो जमा हुआ प्रॉफिट था उसमें से वो पैसा बांट रही थी। अमित ने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा और 500 शेयर्स खरीद लिया, बाद में पता लगा मिसस्टेटमेंट है। अब वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करे, कैंसिल करे और डैमेजेस क्लेम करे, क्या वो ऐसा कर सकता है? तो जनता जवाब चाहती है मेरे दोस्त, बताओ क्या जवाब है? तो यस, अमित विल सक्सीड। क्यों? क्योंकि ये मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बताया आगे पूरा वही है, उसने सब्सक्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूडेड और ओमिशन वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, आप सेक्शन 35 को घोट के पी जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही दिया है, अमित कैन रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। फिर ये एक और है, ये भी उसी पे है, सेक्शन 35 इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो ए कैटेगरी जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन नंबर 33 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, आपके एग्जाम से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ आपको सेक्शन 33 लिखना पड़ता है कि ऑल दी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पेन्ड बाय एवरेज प्रोस्पेक्टस, लेकिन सेक्शन 33 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर कोर्स, इसके बहुत ज्यादा संभावना है, ऑलमोस्ट 99% है। ठीक है, बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हटा तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, क्योंकि 2-3 बार से हटते आ रहा है, और अगर वो नहीं हटा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, ये ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हो गए। फिर सेकंड बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में एक्सपर्ट वगैरह सेक्शन 26 हो गया, ये एक्सपर्ट वाला जो हो गया बी कैटेगरी हो गया, और बाकी जो छोटे मोटे चीजें हैं इसमें कोई भी सी कैटेगरी वाली ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी। हाँ, आखिर के सेक्शन मिलेंगे जो 36, 37, 38, ये जो 3 सेक्शन है आखिर में दिए हैं, पर्सोनेशन वगैरह की पेनल्टीज वगैरह, तो ये सब जो है ये सब सी कैटेगरी है, उनमें क्वेश्चंस आने के चांस कम है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर मैं उकसा रहा हूँ ये शेयर्स खरीद लो और उसका नुकसान हो रहा है, तो ऐसे केस में ही कैन क्लेम डैमेजेस। ठीक है, तो वो है, और ये एक इंपॉर्टेंट है 35, 34 भी इनफैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज द क्रिमिनल लायबिलिटी, वो तो सीधा बोलता है 447, लेकिन 35 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ए कैटेगरी। ठीक है, इनफैक्ट ए प्लस कैटेगरी। तो देखो, P Limited issued and published its prospectus to invite investors to purchase its shares. The said prospectus contained false statement. X purchased some partly paid shares of the company in good faith from stock exchange. Subsequently, the company was wound up. Company घायल हो गई. नहीं, wound up. Wound यानी बंद हो रही. तो बंद हो गई. And the name of the name of X was included in the list of contributor. एक्स से पैसा मांगा गया, पार्टली पेड थे, अब बंद हो रही है, दूसरों को पैसा देना है, तो एक्स से पैसा मांगा गया, क्या वो पैसा देने को जिम्मेदार है? आंसर है यस, 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 जस्ट अभी ऊपर बताया वैसे ही, यस, आंसर इज यस। कैन ही क्लेम डैमेजेस? आंसर है नो। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है भाई उसने, ही वॉज नॉट द ओरिजिनल अलॉटी। ठीक है, ऐसा है। सिक्स्थ नंबर का पॉइंट, सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन,
The board of directors of Reckless Limited, Reckless Investment Limited, have allotted shares to its investors of the company without issuing prospectus with the Register of Companies, Mumbai. Explain the remedy available to the investor in this regard. तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं. जरूरी है कि prospectus issue करो? नहीं. तो कोई remedy नहीं है. अगर वो किसको दे रहे हैं? To its investors. तो investors को ही दिया जा रहा है ना? तो कोई बाहर वालों को थोड़ी दे रहे हैं. बाहर वालों को दोगे तो फिर prospectus is required. यहाँ किसको दे रहे हैं? Investors को. इसीलिए हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखो. यहाँ क्या दिया है? सेक्शन 23 के हिसाब से पब्लिक कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज टू पब्लिक ओनली बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. अब यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स कौन से, एग्जिस्टिंग है या नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. तो कोई नए इन्वेस्टर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऐसा वर्ड नहीं लिखा है. इसीलिए यहाँ आंसर आपको दिया हुआ है कि यस द कंपनी हैज वायोलेटेड द अबव प्रोविजंस, कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया. ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग है ऐसा नहीं लिखा है. तो आप दोनों व्यू ले सकते हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स मानते हुए, एग्जिस्टिंग मेंबर्स मानते हुए आप उनको अगर दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो वहां जरूरत नहीं होती प्रॉस्पेक्टस की, क्योंकि एग्जिस्टिंग लोगों को ही दिया जा रहा है. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, राइट्स और बोनस. ठीक है, तो वहां पे प्रॉस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं होती. बट इफ इट इज टू आउटसाइडर्स, तो यहाँ लिखा ही नहीं है कुछ, तो आप यहाँ पे आउटसाइडर मान लोगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आउटसाइडर को दिया है तो कंपनी को अलॉटमेंट जो है इट विल बी वॉइड एंड कंपनी विल हैव टू रिफंड द एंटायर अमाउंट एज वेल एज लायबल फॉर पेनल्टी. ठीक है, फिर सेवन, पीक्यूआर लिमिटेड वॉन्ट्स टू रेज फंड्स फॉर इट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट. इट हैज इश्यूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू 55%. हाँ ये एक देखो, ये मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिस्कस करने को रोक के रखा हूं, तो ये आपको देखना है. इसमें बारीक बारीक चीजों पे पूछा है, जो हमने सेक्शन नंबर 42 पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट. तो कंपनी क्या कर रही, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेज रही 55 लोगों को और उनको दिया जा रहा है इक्विटी शेयर्स. तो 55 लोगों को दिया जा रहा है इक्विटी शेयर्स. आउट ऑफ दिस चार जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है. तो ये कितने बचे, 55 में से चार गए, तो बचे कितने, 51 लोग बचे. तो 51 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया गया. बिफोर अलॉटमेंट अंडर दिस ऑफर लेटर कंपनी इश्यूड अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. फिर से प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, अलाउड है क्या ऐसा? नहीं, एक टाइम पे एक प्राइवेट प्लेसमेंट चालू होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पे कंपनी ने फिर से 155 लोगों को और अलॉटमेंट के लिए इशू कर दिया. और इनको क्या इशू किए जा रहे हैं, डिबेंचर्स. इनको डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं. ठीक है, अब देखो यहां पे एक पॉइंट और बता दूं, ये जो अलग अलग सिक्योरिटीज है, जैसे इक्विटी है 55 या 51 बोलो, तो 51 ये जो है और ये 155 है, ये दोनों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग प्रकार की सिक्योरिटीज है. तो वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा आप पहले इक्विटी इशू करो, कोई दिक्कत नहीं. फिर आपने डिबेंचर्स इशू किया, कोई दिक्कत नहीं. ये दोनों को जोड़ के आप नहीं देखोगे, ये भी 200 हो सकते हैं इंडिविजुअली और ये भी 200 हो सकते हैं इंडिविजुअली. ठीक है, तो इंडिविजुअली इक्विटी शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू 200 पीपल इन अ फाइनेंशियल ईयर. वैसे ही डिबेंचर्स 200 को दिए जा सकते हैं. तो एज सच ये दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है. यहां कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ. कॉन्ट्रावेंशन क्या हुआ, कॉन्ट्रावेंशन ये हुआ कि ये फर्स्ट ऑफर और ये सेकेंड ऑफर, दो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एक साथ ओपन है, तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया. ठीक है, तो वही दिया है. फिर बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज इन प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या ये इश्यू कर सकते हैं? आंसर है यस. इज इट इन कंप्लायंस विद प्रोविजन रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट और शुड दीज ऑफर्स बी ट्रीटेड एज पब्लिक ऑफर? क्या पब्लिक माने जाएंगे? हाँ पब्लिक माने जाएंगे, क्योंकि दो साथ में चालू है. ठीक है, फिर व्हाट इफ द ऑफर ऑफ फॉर डिबेंचर्स इज गिवन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स बट विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर? तब कोई दिक्कत नहीं है. देखो क्या बोला, अगर पहले एक कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा अगर दिया गया तो क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है. 51 अलग हो गया और ये 155 अलग हो गया, इट इज परमिटेड. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो यही दिया है आंसर में. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट
प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, बट ऑफर शैल बी मेड टू पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 50 और सच हायर नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर और फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स QIBs और एम्प्लॉयज को आप इंक्लूड नहीं करते हैं. रूल में प्रिस्क्राइब कर दिया 200, तो ये 50 की जगह आपके हो गए 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, बट लिमिट शुड बी काउंटेड फॉर ईच टाइप separately. तो इस पे सवाल है. If the company makes an offer or invitation to more than the prescribed number of members, it shall be deemed to be an offer to public and shall be governed by the provisions related to prospectus. ठीक है, तो prescribed number से ऊपर हुए क्या? नहीं हुए, यहां नहीं हुए. Also, the company cannot make fresh offer under this section if the allotment with respect to any offer made earlier have been completed, unless it is completed, or that the offer has been withdrawn or abandoned by the company. तो तब तक ये नहीं कर सकते. This rule is applicable even to different kind of securities. ये दूसरा important point. फिर offer or invitation not in compliance with provisions of this section shall be treated as public offer. ये अपन ने पढ़ चुके हैं. In the given case, PQR Limited is a public company. And looking at the above provisions, we can say that even a public company can make private placement. Company ne 55 logo ko offer diya, jisme se 4 QIBs the. Aur isliye 51 ho gaye effectively, jo ki 200 ke andar hai. Is angle se agar aap dekho, to ye proper hai. Rules properly comply hue. Phir, but the company has given another private placement which is not in compliance with the provisions of 42. क्योंकि एक साथ दो ऑफर चालू नहीं रहना चाहिए. अगर कंपनी एक खत्म होने के बाद दूसरा देती है तो यहां पे इट विल बी ओके, इट शुड बी ओके, क्योंकि 51 और 155 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. वी शुड नॉट ऐड. ठीक है, ऐसा है. तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखो. फिर अगला पॉइंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड proposes to issue the prospectus inviting offers from the public for subscribing the shares of the company. State the reports which shall be included in the prospectus. तो ये simple है, ये case study वाला नहीं है. आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा. ये सभी जो बोलेगा वो लिखना है, वो सब एक बार पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा. ठीक है, तो ये है chapter number 4 के questions. बड़े interesting questions है, पढ़ के देखो और साथ साथ में लिख के भी देखो, एक दो question लिख के देखो. ठीक है, फिर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, इसके भी करेक्ट इनकरेक्ट आप देख लोगे. इसमें बड़े सिंपल है, एमसीक्यू आप देख लेना, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आप देख लेना. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांस रहेंगे, बट केस स्टडीज नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा. केस स्टडीज चलो छोटा सा ही है, थोड़े से ही क्वेश्चन है, इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं. द कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज रुपीज 50 लैक्स, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 लैक्स and redeemable preference shares of 10 lakhs. Preference share capital is to be redeemed before 31st December 2006. ठीक है, तो 31 December 2006 के पहले redeem होना चाहिए. Company लेकिन loss कर रही है और उसके accumulated losses हो गए 15 लाख. Company bank के पास जाती है पैसा मांगने के लिए 20 लाख का, ताकि वो ये 15 लाख वापस कर सके और बाकी working capital के लिए काम आएगा. क्या ये किया जा सकता है? तो answer है no. तो ये वैसे हट जाना चाहिए. ये नीचे पूरा डिटेल्ड आंसर दिया है, ये ऊपर जो है ये हिंट के रूप का है, तो ये हटा दिया जाएगा. ऐसा है, तो नहीं किया जा सकता. क्योंकि क्या किया जा सकता है? अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है और आप उसको रिडीम नहीं कर पा रहे हैं विद इन द टाइम, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसके बदले दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो उन्हीं लोगों को. उन लोगों के 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट लेना पड़ेगा और उनको फिर आप इश्यू कर दो फिर से दूसरे शेयर्स, एंड अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड. ठीक है, इसके पहले ट्रिब्यूनल से अप्रूवल भी लेना है और ट्रिब्यूनल तुरंत पैसा वापस करने बोलेगी उन लोगों का जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया फॉर द इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स. ठीक है, तो ये आपको लिखना है. तो लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, एक बार पढ़ लेना. VRS Company Limited is holding 45% of the total equity shares in SV Company Limited. The board of directors of SV Company Limited decided to raise the capital. So, VRS hold कर रही है shares किसके? SV Company के. तो ये
होल्ड कर रही है 45%, बाकी 55% आउटसाइडर्स के पास है, इनके पास है 55%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व नॉट टू ऑफर शेयर्स टू वीआरएस लिमिटेड, एसवी कंपनी लिमिटेड रेस करना चाह रही है पैसा और वो लोग ये नहीं चाह रहे कि हम इनको शेयर्स दें, इनको शेयर्स नहीं देना चाह रहे। क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेयर्स है, तो अगर उनको लग रहा है कि ऑलरेडी इनके पास बहुत शेयर्स हैं तो हम उनको और शेयर्स नहीं देना चाहते, तो क्या ये वैलिड ग्राउंड है? आंसर है नहीं। सेक्शन 62 विच डील्स विद फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, वो बोलता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर्स दे रहे हैं तो इट शुड बी कंपल्सरली इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू, क्योंकि अगर राइट्स नहीं दे रहे हो आप तो आपको रेजोल्यूशन पास करवाना है, यानी मेंबर्स को बुलाना है, लेकिन यहां मेंबर्स को नहीं बुलाया जा रहा, ये क्या कर रहे हैं इन लोग, फर्दर इश्यू कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो आपको यहीं से समझता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, यहां दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसवी कंपनी लिमिटेड ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैपिटल रेज किया जाए, यानी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ राइट्स। तो राइट इश्यू है तो इट शुड बी इन प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, तो प्रपोर्शन में ही होना चाहिए। इनके पास अगर 45% शेयर है तो इनको 45% एडिशनल मिलना चाहिए, ठीक है? तो वही है, इट शुड बी इन प्रपोर्शन। तो यहां पे जो कंपनी चाह रही है, एसवी कंपनी के डायरेक्टर्स जो चाह रहे हैं कि हम इनको इश्यू नहीं करते, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड, ठीक है? तो वही दिया है, आंसर दिया है डिटेल में, इट मस्ट ऑफर द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स, ठीक है? तो इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड, वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है? एक बार आप ये डिटेल में पढ़ लेना। फिर डाटा लिमिटेड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, एक्सचेंज वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st October 2018 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 200 crore। विद इन दिस स्मॉल टाइम ऑफ 4 months इट हैज अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड हैज टॉप्ड द चार्ट्स फॉर इट्स हाई एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरमेंट है, काफी अच्छा एम्प्लॉय फ्रेंडली लोग हैं ये लोग, और इसीलिए इनके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयज से अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, एम्प्लॉयज और मोटिवेटेड होते हैं, अच्छा काम करते हैं और प्रॉफिट बढ़ते जाता है। कंपनी वॉन्ट्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज, अ फ्रेंड ऑफ द सीईओ ऑफ द कंपनी हैज टोल्ड हिम दैट दे कैन नॉट इशू शेयर्स एज 2 years हैव नॉट एलेप्स्ड सिंस द टाइम कंपनी हैज कमेंस्ड इट्स बिजनेस। तो क्या 2 साल की ऐसी रिक्वायरमेंट है अभी भी स्वेट इक्विटी शेयर्स में? आंसर है नहीं, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो सीईओ चाहता है कि आप उसको गाइड करो, तो आपको गाइड करना है, उसको बताना है कि भाई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ऐसा इशू कर सकते हैं, ठीक है? तो दिया है आंसर, 2 साल की कोई रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 54 में नहीं है। फिर मार्स इंडिया लिमिटेड, ये नाम बहुत बार दिख रहा है आपको मार्स, तो इनको अर्थ शायद पसंद नहीं है। ये सब इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस वगैरह हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स वगैरह में आ चुके हैं, या कहीं एमटीपी वगैरह होते हैं, आरटीपीज होते हैं, उनमें आए हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस है। कुछ 1-2 क्वेश्चंस है जो मैंने खुद भी बनाए हुए हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस जो है इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। मार्स इंडिया लिमिटेड ओड टू सुनील ₹1000 ऑन बिकमिंग दिस डेट पेएबल, द कंपनी ऑफर्ड सुनील 10 shares ऑफ 100 ईच, यानी ₹1000 की उसको शेयर देना चाह रहे हैं क्योंकि वो पैसा नहीं दे सक रहे। द सेट शेयर्स वर फुल्ली पेड एंड वर अलॉटेड टू सुनील, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस अलॉटमेंट, क्या ये वैलिड है? आंसर है यस, इट इज वैलिड। तो पहले तो बोला है 62(1)(c) के हिसाब से आप दे सकते हैं टू अदर्स एज वेल, दूसरों को भी दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, इट इज वैलिड प्रोवाइडेड इट इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड है तो इट इज वैलिड। फिर फिफ्थ, एक्स लिमिटेड इश्यूड अ नोटिस ऑन 1st February 2018 टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफरिंग टू परचेज 1 extra share फॉर एवरी 5 shares हेल्ड बाय देम। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है राइट इशू। द लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर वॉज 15th February। मिस्टर कवि हैड गिवन एन एप्लीकेशन टू रिनाउंस द शेयर्स ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ मिस्टर रवि हु इज नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस, अनलेस इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, एवरी राइट हैज बीन इज डीम्ड टू हैव द राइट टू रिनाउंस, एवरी पर्सन इज डीम्ड टू हैव अ राइट टू रिनाउंस द शेयर्स,
ठीक है, तो राइट्स रिनाउंस किए जा सकते हैं अनलेस इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, अगर मना किया है तो नहीं कर सकते। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, सिंपल है, इसमें भी वही दिया होगा कि डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं मैं। दो क्वेश्चन है शायद, एक सेकेंड। तो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर कवि, वुड योर आंसर डिफर इफ कवि इज अ शेयर होल्डर। तो वहां भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ही इज द शेयर होल्डर और नॉट। तो एज नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इट इज अज्यूम्ड दैट ऑफर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। ठीक है, हेंस कवि कैन रिनाउंस द शेयर्स। इन द सेकेंड केस इवन इफ रवि इज अ शेयर होल्डर देन ऑल्सो इट डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, इट कैन बी रिनाउंस्ड। ठीक है, बस बस खत्म ही हो रहा है, बस दो मिनट। अर्थ लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी ऑफर द न्यू शेयर्स फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स टू पर्संस अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्या ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हेन शेयर्स कैन बी इश्यूड टू पर्सन अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। डिस्कस वेदर दीज शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हाँ ये भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा सेक्शन 62 लिखना है आपको, 62(1)A, 62(1)B और 62(1)C। तो 1A बोलता है राइट, लेकिन उसके एक्सेप्शन है, अगर आप एम्प्लॉयज को दे रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा एसओप्स के रूप में तो आप दे सकते हैं, या फिर आप आउटसाइडर्स को भी दे सकते हैं, या इवन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सुनील को दिया है। ठीक है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी इसमें कवर होंगे 62(1)C में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, इसके बाद अपन आगे की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक यू।